ॐ रुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वरी नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ गुरुपरम्पराभ्यां नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम एव मुक्त्वा अर्जुनो सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय विषाद शोक दुख योग के आखिरी श्लोक प्रथम अध्याय, जहां पर अर्जुन अपने सारे अस्त्रों को त्यागता है और विषाद अवस्था में, डिप्रेशन में अर्जुन बैठ जाता है और बोलता है, आप नहीं लड़ने वाला, गुड बाय। गुरु जी, ये फिर हमें क्या मतलब है? प्रमुखता से मकर राशि के लिए और फिर कुंभ और मीन के लिए भी। इस समय मकर राशि से द्वितीय स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं। द्वितीय का शनि को शोक कहा जाता है, प्रथम का शनि को दुख कहा जाता है, द्वादश का शनि को ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, व्यय, मृत्यु भी कहा जाता है, अपमृत्यु भी कहा जाता है। गुरु जी, बेकार का बात, द्वादश में तो शनि चला, धनु में मकर वाले कहां मर गए? ए, कहां देखे हो, कितने मकर के मकरू मरे आपको थोड़ी पता है। जब शनि मकर में थे तो कितने कुंभ वाले मरे आपको थोड़ी पता है। और मृत्यु केवल एक प्रकार का नहीं कि शरीर का मृत्यु हो गया। जब युधिष्ठिर महाराज वो अर्जुन बोला था कि जो मेरा गांडीव को बुरा भला कहेगा, निंदा करेगा, मैं उसे मार दूंगा, तो उस समय कृष्ण भगवान बोले थे कि युधिष्ठिर का निंदा ही मृत्यु है। तो शारीरिक लेवल पे मृत्यु नहीं, निंदा करना भी एक मृत्यु है। मान सम्मान अपमान, मान अपमान और मान सम्मान का हानि भी एक प्रकार का मृत्यु है, क्योंकि तो आपका मान सम्मान का कारक सूर्य, आत्मा का कारक जब उस वो अपमान हुआ तो आपका मृत्यु ही हुआ। और शारीरिक लेवल पे भी बहुत सारे, मेरे पास जितने डाटाज हैं, बहुत मरे हैं, चाहे रोग से मरे, चाहे आत्महत्या से मरे, चाहे सीवियर एक्सीडेंट से मरे। लेकिन क्योंकि आपके पास इस प्रकार के कॉम्पैक्ट डाटा नहीं है, और मैं क्योंकि हजारों के तादाद में लोगों के साथ जुड़ता रहता हूं, तो मेरे पास वो डाटाज हैं। और वो सब बोलने से आप लोग डरोगे और फिर बोलोगे डरा रहा है, और मीन के साथ भी ऐसा कुछ होगा। तो फिर इस विषय को क्यों छेड़ रहा हूं? इस विषय को इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि शोक से बचने के लिए, ये जो प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक है ना, उस समय ये रूप होता था श्री कृष्ण और अर्जुन का, कि देखो ये शोक संविघ्न मानस, शोक में पड़े और सब कुछ छोड़ दिए और बैठे। तो किस बात की ओर इंगित कर रहा हूं और अभी क्यों बोल रहा हूं? पूरा द्वितीय शनि का तो इतना बड़ा टाइम पीरियड चला गया, शनि बाबा आते आते वो
करीब 10-11 डिग्री पार कर चुके हैं, इतना लंबा, और करीब करीब सेकंड ढैया का अनऑफिशियल ऑफिशियल 1.5 साल 1 साल चला गया। ऑफिशियल लेवल पे 6 महीना चला गया, अनऑफिशियल लेवल पे 1.5 साल चला गया। याद करिए, जब पहला बार जब कुंभ में प्रवेश किए, फिर बकरी हुए, फिर कुंभ में गए, फिर अभी कुंभ में ही बकरी हो रहे हैं, तो कितना बड़ा टाइम कालखंड हो गया। तो क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं कि इसका अनुभव अब तक आप लोगों के अंदर में नहीं देखा था। आप लोग इस समय इस प्रकार के सिम्टम्स मेरे को नहीं बोले थे, या वो सिम्टम का मैं इंतजार में था कि जब आपको इस प्रकार का सिम्टम आए तो फिर मैं इस बात को छेड़ूं। तो जब इस समय जब कुछ मकरों से बात कर रहा हूं तो समझ में आ गया कि हाँ, अब बीमारी पकड़ा है, दवाई बताओ। तो क्या सिम्टम्स? कुछ मकरू वाले खोए हुए से रहना, मुंह लटका के रहना, मन भद्दा हो जाना, बंद हो जाना, साइलेंट हो जाना, कुछ सोच समझ नहीं पाना, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन सा चीज करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, इसका निर्णय नहीं कर पाना, द्वंद्वापि घातक। और इस प्रकार के अनकहे शोक, अनकहे दुख, हृदय का पीड़ा जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बोला नहीं जाता, समझाया नहीं जा सकता, और आपके नियर एंड डियर, चाहे आपके धर्मपत्नी हो, चाहे आपके कोई जो भी आपके निजी लोग हैं, अगर ये पूछे क्यों भाई मुंह लटकाया, क्या हुआ, दुखी है, क्या हुआ, ऐसे साइलेंस है, क्या हुआ, खोए खोए से हो, हृदय में अनकहे से एक बड़ा खालीपन, एक बड़ा सा एक रिक्तता। किस लिए मन भारी है नहीं पता, किस लिए मन दुखी है नहीं पता, किस लिए मुंह लटकाए हो नहीं पता। अपने आप से कभी कभार प्रश्न पूछते हो, फिर से कोई मेरे साथ अनहोनी होनी होने वाला है क्या, नहीं पता। देख रहे हो कि कोई कहीं भी टेंशन का नहीं है, सारा टेंशन बड़ा से बड़ा समंदर का जो लहर था, बवंडर था, जो सबसे बड़ा तनाव का टाइम था, वो 5.5 साल के अंदर बीत गया है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रतिच्छवि, उसका छाप, उसका वो जो दहशत वाली रात, वो दहशत वाली घटनाएं, जो कभी आप धोखा खाए थे, जो कोई कभी मकरू वाला ब्लैकमेल्ड हुआ था, जब कोई मकरू या कुंभ अपने जीवन का सबसे बड़ा गलत निर्णय के कारण फंस गया था, और जो जो भी साढ़े साथी के साथ, मकरू वालों के साथ, कुंभ वालों के साथ विगत दिनों में हुआ, और मीन के साथ आने वाला समय में कुछ लोगों के साथ हो चुका है, कुछ के साथ होने वाला है, ऐसे कंडीशन, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मान सम्मान का हानि हो, चाहे ब्लैकमेल हो, चाहे धोखाधड़ी हो, चाहे लवरा लवरी हो, चाहे दाम्पत्य सुख दुख हो, चाहे कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो, चाहे जिसके साथ कुछ जल गया, पुड़ गया, कुछ किसी भी प्रकार के व्यवसाय में इन्वेस्ट किए थे, नुकसान हो के जीरो जीरो हो गए, चाहे किसी का सोना गहना बिक गया या बंधक रह गए, या बच्चों का पढ़ाई में स्कूल फीस ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोई मोबाइल स्विच ऑफ अभी भी करके रख रहा है डर के मारे, कुछ नहीं है प्रोग्राम लेकिन भयभीत है, कोई तगादा में आ जाएगा, कोई पैसा मांगने आ जाएगा, या किसी का बाकी रह गया है, या किसी भी प्रकार का फिर से कहीं उसका फोन ना आ जाए, इस प्रकार के जितने भी इम्पैक्ट आपके साथ लास्ट 5.5 साल कुंभ के साथ, 2.5 साल मीन के साथ, 1 साल के अंदर किसके साथ हुआ, किसके साथ नहीं हुआ, और कोई किसी बिना कारण बसात बंधन में पड़ गए थे। बंधन में माने समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि सब कोई जेल के अंदर बंधन, बंधक दोष माने नहीं है कि कोई जेल में पड़ गया था, ऐसा नहीं है। उस दिन को आप अगर पॉसिबल है तो आप याद कर सकते हो, जिस समय प्लूटो के साथ केतु का क्रॉस ओवर हो रहा था मकर का, और मकर से क्रॉस करके फिर
धनु की ओर जा रहे थे, वो टाइम जोन को अगर आप लोग को याद है तो जो दो प्लैनेट क्रॉसओवर कर रहे थे और मकर राशि किसी ना किसी ग्रह के द्वारा पाप कर्तरी में फंसा था, पर्टिकुलरली मंगल के साथ फंसा और बाकी सूर्य के साथ भी फंसा, इस प्रकार की जो पाप कर्तरी चल रहे थे, छोटे छोटे हो या बड़े हो, और क्रॉस ट्रांजिट, ये दोनों इफेक्ट, और ऐसे जो आज मीन राशि के साथ चल रहा है, आगे राहु पीछे शनि में पाप कर्तरी में, तो वो जो टाइम पीरियड बना हुआ तो उसमें बंधक दोष, बंधन दोष, वो एक अलग भिन्न प्रकार का बना, किसी के साथ चुंगल में फंस गए थे, चाहे लबरा लबरी, चाहे ब्लैकमेल बिलर्स, ब्लैकमेल करने वाले, चाहे आपके शत्रु, अज्ञात शत्रु, सामने मीठा बोल लेते हैं लेकिन पीछे धोखा दे देते हैं, पीछे आपका मतलब सम्मुखे प्रियवादिनाम प्रत्यक्षे कार्य परोक्षे कार्य हंतारम वर्जयेत तादु संबंधो विषपगुम्भोपयो मुखम, सामने मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे आपका कार्य हंतारम वर्जयेत तादु संबंधो, ऐसे बंधुओं को वर्जन कर दो क्योंकि ये लोग कैसे हैं, विषकुम्भम पयो मुखम, ऐसे एक कुंभ है जहां पर जहर भरा है और ऊपर अमृत है, मीठा मीठा लगा है, विषकुम्भम पयो मुखम, मुख में पय लगा हुआ है, अमृत लगा हुआ है, और आपको पता नहीं आप हलाहल जहर पी रहे हो लेकिन सामने मिठाई दिखाई दे रहा है, या ऐसे दोस्त जो लोग आपको आपके विश्वास जीते थे और आपके पास आ गए मीठा मीठा बात बोल के, आपको बहला के फुसला के, और जब कुछ दिन रहने लगे और उनका जड़ लगने लगा तो आपका ही जड़ काटने लगे, और बाद में जब पता चला कि मेरा ही लोग है, मेरे आत्मीय लोग आत्मीय हैं, और मैं जिसको खिलाया पिलाया सब कुछ दिया सब कुछ रखा, और आखिरी में ये मेरे को ही धोखा दे दिया, मेरा ही चोरी कर लिया, या मेरा मेरे साथ गबन कर लिया, या मेरा भंडाफोड़ कर दिया, या कुछ भी एनीथिंग, और फिर मेरे को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके पैसा मांग रहा है या ले गया, कुछ मकर के साथ ऐसा भी हुआ जो सब कुछ चोरी हो गया, एवरीथिंग, इवन एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं था, ऐसा भी हुआ, ऐसे भी मकर हुए जिनका सब कुछ जल गया, एकदम लाखों रुपया का चीज जल गया, तो ऐसे अलग अलग जो लोग सीवियर, वो लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं, बस मुझे पता है कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी पकड़ में आया, भंडाफोड़ हुआ, कुछ लोग झूठे फेसबुक व्हाट्सएप में उनका बात आया, तो ये सारा चीज मैं बार बार बोलता इसीलिए हूँ कि इसके साथ आप अपने बात को अलग अलग रूप से बैठा सको, और जिसका भय का प्रतिच्छवि अभी उभर रहा है, कब, जब शनि द्वितीय स्थान पे गोचर कर रहे हैं और डीप मिड में जब हैं और फिर से बकरी होकर टुवर्ड्स मकर आ रहे हैं, सबके लिए ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग इसका अनुभव नहीं कर पाए, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये सब अभी जो प्रेजेंट कंडीशन पे जो शोक का वातावरण बना हुआ है, अहेतुक शोक इसको बोलते हैं, जिसका कोई हेतु नहीं है, अभी भय नहीं है, भय तो फर्स्ट शनि में था, बहुत सारे लोग भय कर रहे थे, भय का वातावरण अभी यहां मकरू के साथ थोड़ा सा घटा है, लेकिन शोक बढ़ा हुआ है, और ऐसा शोक जो हृदय में पीड़ा है, ऐसा जो उनका भेजा कभी कभार बंद हो जाता है, या ऐसा शोक जो मन डॉम्प हो जाता है, और इसके लिए ऐसा योग भी बना है, एक तरफ द्वितीय का शनि को शोक बोलते हैं, एक तरफ चतुर्थ का शनि, ए चतुर्थ का राहु, ये इसको बोलते हैं नेहले पे देहला, करेला चढ़ा नीम के झाड़ में, तो जिसके लिए ये लोग का निर्णय लेने का क्षमता, सोचने समझने का क्षमता, खुश होने का क्षमता में कमी है, मतलब आनंदित नहीं हो पा रहे, जब इन्हें पता है, आचार्य संजय कह रहा है कि देखो उतरता शनि का 7.5 है, उतरता महादशा है, डोंट वरी यार, ठीक हो जाएगा, मेहनत करो, सारा टेंशन छोड़ो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सु कदाचन, मा कर्म फलोहयतुर्भुः, कि कर्म करो, कर्म पे आशा रखो, फल का बारे में भूल जाओ, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं, यानी हृदय नहीं समझ रहे, मन ऊपर ऊपर से समझ जाता है, कुछ दिन के बाद फिर इंतजार करते हैं कि आचार्य संजय कब दूसरा वीडियो छोड़ेगा एक दिन नहीं छोड़ा तो 100 कमेंट्स, 100 बार एकदम क्या हुआ आज वीडियो कहाँ गया ठीक है, तो मन अशांत है, आपका सुनते हैं तभी शांत लगता है गुरु जी, तो मेरे बाप ये रोग है, शोक रोग, और द्वितीय का शनि देता है, चलो गोचर में ही नहीं, अगर आप लोगों के कुंडली में भी किसी का कुंडली में द्वितीय स्थान का शनि कहीं से भी है तो भी समझना ये व्यक्ति शोकाकुल रहेगा,
वो द्वितीय का शनि कभी कभार लोगों को डबल मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर भी लेके चला जाता है, या गुप्त पति के तरफ भी लेके जाता है। देखा गया है, मैं बहुत सारे कुंडली में फलित किया हूं, शायद आज तक फेलियर कहीं भी नहीं हुआ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल ही जाता है। पहले छुपाते रहते हैं, नहीं, हम तो एकदम बढ़िया हैं, हम तो एकदम बोलते हैं सती सता हैं, सती सावित्री और सता सावत्रा हैं। लेकिन बाद में जब भांडा फोड़ करके डिसेशन करते हैं तो फिर निकलता है बात सारा। तो अभी द्वितीय का शनि है, तो ये नेचुरली कहीं ना कहीं इस प्रकार का इफेक्ट अनजाने जाने में आएगा, शोकग्रस्त होगा। और इसीलिए खास भगवान प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं संजय उवाच और सांख्य योग के नाम पे, द बेस ऑफ कर्म योग। तम तथा कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अब यहां कृष्ण भगवान बोलने से पहले संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं भगवान उवाच के ठीक पहले कि श्री भगवान करुणाविष्ट और अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र शोककुल अर्जुन को भगवान मधुसूदन, अब सुनो, ऐसे शोकग्रस्त अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टमा स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुनम। यहां से शुरू होता है विषाद से कृष्ण भगवान उसको निकालने के लिए कि हे अर्जुन, ऐ मकरू नहीं है, अरे महाराज मकरो, तुमको ऐसे समय में और यहां पर आके और द्वितीय शनि में आके, यानी जीवन का 5.5 साल का महाभारत युद्ध लड़ लेने के बाद, या युद्ध का प्रिपरेशन हो के युद्ध प्रारंभ होने के समय, यानी तुम्हारे गोल्डन पीरियड समय शुरू होने जा रहा है, और श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा आचरित ऐसा व्यवहार नहीं होता कि तुम शोकपूर्ण हो जाओ, और इस समय ये शोक करने का समय नहीं है। मैं भाषण मारने से नहीं होगा, तो मैं क्या समाधान देना चाहता हूं आप लोगों को, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, फिर लंबा हो जाएगा बोलोगे। सो इसमें सीधा सीधा अर्जुन को एकदम डायलॉग सुनो, क्या बोलते, क्लैव्यमास्मगमा पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्ता तिष्ठ परंतप। मकरू अर्जुन, ऐसा है ना बेटा, नपुंसक जैसे बात करते हो। क्लैव्यम आस्मगमा पार्थ, क्लीब जैसे बात करते हो, क्लीब जैसे सोच रहे हो, नहीं होगा, हार जा रहे हो, मायूस हो गए, पता नहीं, और कुछ नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो अर्जुन, ए मकरू मकरू ना 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 ना। और हृदय में तुच्छ दुर्बल ऐसा सोच को त्याग कर उठ बेटा, उठ 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 उठ, उठ चल चल चल, काम करेंगे, चल, पता नहीं होगा कि नहीं गुरु जी, अबे उठ, अर्जुन बोल, कृष्ण बोल रहे हैं, उठ चल, गांडी पकड़, युद्ध करेंगे, काम करो, फाइट करो। तब तक अर्जुन बोल रहे हैं कथम भीष्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईषु भी प्रतियोष्यामि पूजा बरिसूदन। अब नहीं बोलूंगा, हो गया, आपको काम है। मैं यहां जो बोलना चाहता हूं कि आप लोग वर्तमान, जो लोग इस बीमारी में हो, जो लोग नहीं हो ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन जो लोग बीमार में हो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो आपका पूर्णिमा द्वादशी और उससे पूर्व 27 एकादशी और ये
एक और एकादशी आ रहा है 11 तारीख अगस्त महीने का, और ये एक पूर्णिमा यहां से या फिर जो देवशयनी चतुर्दशी उसके बाद अलग अलग स्थानों में अलग अलग डेट को पकड़ते हैं। इस समय गीता को प्रारंभ, श्रीमद् भागवत गीता भगवान को माता रानी को गीता को माता कहा गया, पाठ करते हैं, और दिसंबर महीना में गीता जयंती आता है जिसमें गीता माता का पूर्ण पुस्तक का गीता यज्ञ किया जाता है। और गीता पाठ करोगे तो सबसे पहला शोक दूर हो जाएगा, शोक दुख दूर हो जाएगा। जो अभी आपके अंदर बिना फालतू का सनिकृत शोक शोक का जो बीमारी लगा है ये दूर हो जाएगा। आप देखना ज्यादा नहीं 90 दिन का भी पाठ कर लो, और ज्यादा नहीं 30 दिन का भी पाठ करने लग जाओ, तो आपके मन में जो भी शोक है, जो अब तक समझ नहीं पा रहे हो कि किस लिए दुखी हो, किस लिए चिंतित हो, किस लिए शोकग्रस्त हो, किस लिए शोकाकुल हो, किस लिए क्लैब जैसे सोच रहे हो, किस लिए क्लैब्यम आस्मगमा पार्थ, क्यों कर रहे हो, क्यों क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्षुद्रता, मीन माइंडेड, क्षुद्र शब्द संस्कृत में, इंग्लिश में मीन माइंडेडनेस, ये क्यों आ रहा है, तो इससे आप बाहर आ सकते हो। और गीता का पाठ ऐसे ही आपको शायद पता हो, जिसके कुंडली में पितृदोष भयंकर रूप में होता है, उसका निवारण जैसे वासुदेव मंत्र है, और उसका निवारण ठीक ऐसे ही हर दिन गीता पाठ है। गीता पाठ और गीता यज्ञ, जब भी किसी का पितृदोष निवारण करने के लिए जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बनता, हलाहल पितृदोष में पीड़ित रहते हैं, और वो नारायण बलि और पितृश्राद्ध इत्यादि जो करते हैं उनके जगह में कभी कभार ये श्रीमद् भागवत गीता यज्ञ, आप लोग को मैं इस वीडियो में कई बार दिखाया हूँ, हर दिसंबर का वीडियो में चले जाओ, दिसंबर विगत जितना साल से आप लोग मेरा जड़ित हो, आपको गीता यज्ञ दिखाई देगा। लंबा लंबा वीडियो, 3.5-4 घंटा का वीडियो को शॉर्ट करके 1.5 घंटा में यज्ञ का मैं वीडियो छोड़ता हूँ। पंडित जी को बुला के हम लोग यज्ञ करते हैं, मैं भी खुद करता हूँ, खुद पाठ करके करता हूँ। तो और गीता क्यों पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी विगत साल 1 साल 1.5 साल पहले भी वीडियो पड़ा हुआ है, 4,000 वीडियो के अंदर निकाल सको, नीचे नीचे जाओगे तो मिल जाएगा। और इस समय इसे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये जो विषाद है, ये जो क्षुद्र हृदय दुर्बल्यम है, ये क्लैब्यम आस्मगमा पार्थ है, जो आपका थॉट प्रोसेस है जो नीचे हो गया किसी का किसी कारणवशात। देखो सेकंड 7:30 में तो पता चलता था कि शनि बैठा है, काम स्लो हो रहा है, भिकमंगे बन गए हैं, कष्ट पीड़ा है, जो विगत वर्ष आप लोग मेरे को कमेंट में लिखे, लेकिन इस समय पता नहीं चल रहा है। और पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जब से गुरु आपके राहु जब से आपका मन में आया है और गुरु चांडाल लगाया है, तब तक और ज्यादा माया आविष्ट हो गया। देखो गुरु थोड़ा शुद्धि होने से आदमी को कॉन्शियसनेस जगता है, लेकिन गुरु जब राहु के चक्कर में पड़ जाता है तो ऐसे आदमी कॉन्शियसनेस हीन हो जाता है, एनर्जी लेस हो जाता है, और उसके बॉडी माइंड में ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने के कारण और सारे गलत निर्णय करने लग जाते हैं। गुरु माने ऑक्सीजन, राहु माने कार्बन, और उसको ट्रैप, ऑक्सीजन को O2 को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, तो उसका मात्रा बढ़ेगा तो शुभता में कमी है। तो इस समय श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ हर एक 7:30 वाले लोगों को बहुत जरूरी है, और इससे आपके शोक दुख कष्ट पीड़ा दूर हो जाएंगे। प्लस उसके साथ गीता इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, रिमेम्बर इट, मैं नहीं कह रहा हूं। आज से 35 साल पहले स्वामी निजानंद जी महाराज, मेरा जो गीता का पहला गुरु हुए, मैं जिनके चरण में बैठ के गीता सीखा, आज शायद वो कटक में रहते हैं, बहुत बूढ़े हो गए होंगे और आजकल राउरकेला नहीं आते हैं। बचपन में मैं उनके साथ करीब करीब 10-20 साल तक उनका प्रवचन, उनका क्लास, उनका सत्र सुना हूँ। तो और फिर से जो भी बहुत, मैं जिन जिन से भी गीता का मतलब प्रवचन देना, मेरा जिंदगी का पहला गीता ही शुरू, संजय हूं तो गीता ही, मेरे नाम ही तो आता है संजय उवाच, तो जहां से भी मैं सुना हूं उसमें एक ही बात बताया जाता है, मनुष्य जगत का हर समस्या का समाधान गीता में है।
धन नहीं आता, धन का कमी भी है, या पुत्र नहीं है, या जीवन में दुख शोक पीड़ा है, जो भी बच्चे बात नहीं मानते हैं, आपका हर प्रकार के रोग रिपूरण में फंसे हैं, चोर चपेट एक्सीडेंट में फंसे हैं, जीवन में मृत्यु तुल्य पीड़ा में फंसे हैं, मान सम्मान हानि धन हानि प्राण पीड़ा में फंसे हैं, ध्वंस प्रलय बर्बाद कोर्ट कचरी माली मकदमा में फंसे हैं, रात भर सोने का कोशिश करते हैं, नींद नहीं हो रहा है, जो जो शारीरिक रोग ग्रस्त इत्यादि से पीड़ित हैं, जैसा जो भी बोलते हो बोलो, हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है। पारायण कर लेने मात्र से, पाठ कर लेने मात्र से, एटलीस्ट रात को सोने के समय गीता उठा लो। मेरे बचपन में हमारे गुरुदेव बोलते थे, व्हेन आई वाज इन क्लास 5 और 6, तो हनुमान चालीसा और गीता सोते समय सियाने रख के सो। बाद में बड़ा हो गया तो समझ में आया कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर सिरहाने पे अगर आपके पास शुद्ध पवित्र टेबल है तो रखो, लेकिन उसके ऊपर सो मत, वो पुस्तक के लिए ठीक नहीं। ये मेरा बुद्धि है, लेकिन गुरु आज्ञा था कि आप उसको रखो और सुबह उठते ही पढ़ो, शाम को पढ़ो, ये बिना नहाए धोए पढ़ो। लेकिन बाद में जब जनेऊ वगैरह हो गया और वो आइडियाज आ गए कि नहीं, ये सारे ग्रंथ ऐसे नहीं छुए जाते हैं, इसको सिंदूर चंदन धूप दीप देख के माता सरस्वती का वंदना के बाद पुस्तक उठाने चाहिए, तो फिर ऐसा मैं नहीं किया, लेकिन मेरा हर दिन का पाठ रहता है। तो आप सबको मेरा अनुरोध है कि ये जो शोक अभी अगर जिन जिन को ये इफेक्ट है, केवल उनके लिए कह रहा हूं, जिनको जो लोग इफेक्टेड हैं शोक से, मानसिक विषाद से, मानसिक दुख से, मान एक ऐसा पीड़ा जो व्याख्या नहीं किया जाता, समझाया नहीं जा सकता। लोग पूछेंगे क्यों दुखी हो, फिर कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें बोलो हम ठीक कर देंगे। ऐसे आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके बीवी या आपके पड़ोसी या आपके मित्र वर्ग ऐसे बोलने लगे, या लोग दुख के बोले, कुछ तो एक हुआ है, फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, विगत 5 साल जैसे हुआ था, तो समझना कि आपके अंदर शोक छलक रहा है, अभी कहीं ना कहीं शोक बाहर के निकल रहा है। तो ये क्या द्वितीय शनि के लिए, तो प्रथम शनि के लिए दुख, तो विषाद, विषाद योग, शोक, शोक संग विघ्न मानसा। और श्रीमद् भागवत गीता का जो पहला अध्याय का नाम पता है ना क्या है, मतलब द फर्स्ट अध्याय से इसकी गीता में क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग, दैट इज प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योग, विषाद से मुक्ति। यानी प्रथम शनि जिसके कुंडली में है, अगर दुख से बचना चाहते हो, विषाद से बचना चाहते हो तो गीता, द्वादश का महाभारत से बचना चाहते हो तो गीता, तो 7.5 का एक बड़ा समाधान और इस समय सबसे ज्यादा मकरों के लिए ये समाधान है श्रीमद् भागवत गीता। और ये एक ऐसा महान पुस्तक है, कैसा पुस्तक है, एवं शास्त्रम देवकी पुत्र गीत मे को देवो देवकी पुत्र एका एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ऐसा महानतम विषय, एक ऐसे महानतम सूत्र, एक ऐसा महानतम श्रीमद् भागवत गीता जो इस मनुष्य जगत का, इस मनुष्य जितने भी हैं उनके लिए ये एक जिसको बोलते हैं, यू नो, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो उसमें एक किताब रहता है ना जिसमें डूज एंड डोंट्स लिखा जाता है, ठीक ऐसे ही ये एक ऐसा पुस्तक है जो मनुष्य जीवन में जब जब शोक दुख कष्ट पीड़ा बाधा विघ्न बबंडर लड़ाई फाइट अशांति ये सब जब आता है तो उसको कैसे ठीक करना है, इसी मैनुअल में लिखा है, विश्व ब्रह्मांड में और किसी मैनुअल में नहीं है। किसी भी पुस्तक में, विश्व ब्रह्मांड का कोई भी पुस्तक में मनुष्य जगत का समस्या का समाधान नहीं है विदाउट गीता, विदाउट श्रीमद् भागवत गीता कहीं नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्य की मन ही शास्त्र विस्तरे,
और ये स्वयं भगवान के मुख से बोला गया पुस्तक है। सर्वो उपनिषदो भगवाबो दुग्धा गोपाल नंदनम, सभी वेद उपनिषद वेदांत शास्त्र को का निचोड़ ये श्रीमद् भगवत गीता है। और इसीलिए श्रीमद् श्री व्यास भगवान के द्वारा इसको रचित, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लार बिंदायत पद्मनेत्र येनस्त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपम। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सारे अर्जुन, मेरे सारे मकरू, आपको आज से कोई नियम कानून नहीं, स्पेशली साढ़े साथी के लिए आप जरूर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ प्रारंभ करें। इसमें खाली पाठ पारायण कर सकते हैं, अर्थ सहित पाठ पारायण कर सकते हैं, और अर्थ के साथ समझ सकें तो अच्छा है। और जब दिसंबर का महीना गीता जयंती, उस समय इसका उद्यापन कर सकते हैं या हवन यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं। और जिनको नहीं हमारे पास यज्ञ हवन करना है आ जाना, नहीं तो कोई ऐसा जरूर जो जरूरी नहीं है कि मेरे पास हो, अपने पास भी कर सकते हो, आपका देखना समाधान हो जाएगा। चैलेंज है, गारंटी है, चैलेंज है, गारंटी है, पैसा भी आ जाएगा, नींद भी आ जाएगा, दुख और शोक से भी बाहर आ जाओगे, मानसिक जो बंदपन है वो भी खुल जाएगा, मानसिक भारीपन वो भी दूर हो जाएगा, दिमाग जो भद्दा लग रहा है वो भी दूर हो जाएगा, और जो भी आप अपने को लाइट हल्का समझ रहे हो वो आपका वजन भी बढ़ जाएगा।